वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडू ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। सो आज है 1st of Jan, नया साल, नया दिन, नई सुबह। सो मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आपने लास्ट वीडियो तो मेरा देखा ही होगा कि हमने कैसा छोटा सा न्यू ईयर अपने घर पे ही सेलिब्रेट किया। होप आप सभी ने भी अपना न्यू ईयर बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया होगा। तो नए साल की शुरुआत करते हैं। ये मेरा नए साल का पहला ब्लॉग है। तो आज है 1 जनवरी 2024। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत की हल्दी वाला दूध और लड्डू से, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये वही लड्डू है जो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बनाया। उसने भी आज से पहले कभी लड्डू नहीं ट्राई किया था, मतलब कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी लॉकडाउन था, आप सबको पता है जब रुद्राक्ष हुआ था तो फुल लॉकडाउन था, तो तभी भी मौका नहीं मिला कि मेरे लिए कोई लड्डू बनाए या कोई बना के भेज सके। बट इस बार मिला तो उसने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया और गाइस सच में ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं और बहुत ही हेल्दी है। डिलीवरी के बाद हम सबको अपने रिकवरी के लिए इसे अपने हेल्थ डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर वैसे तो सबकी मम्मियों को, सबकी नानियों को, दादियों को, सबके इन लॉज को, सबको आता ही है, हर घर में हर लेडीज़ को आता है ये लड्डू बनाना। बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि ये लड्डू हमने कैसे बनाया तो आप लोग बताइएगा, इसकी रेसिपी हम ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सो अब आए हैं यहाँ पे मेरा ब्लड कलेक्ट करने। मॉर्निंग में भी आए थे, वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फास्टिंग में भी एक ब्लड वो लेके गए हैं और ये अब ये सेकेंड टाइम आए हैं ब्रेकफास्ट की 2 घंटे बाद। सो हमेशा तो मैं इनकी पैथोलॉजी में जाती थी बट मेरा सी सेक्शन और उन्हें पता चला तो वो घर पर ही आ गए मेरा टेस्ट करने के लिए। तो ये टेस्ट किया जा रहा है मेरे शुगर लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं। तो चेक किया, उसके बाद रिपोर्ट भी आया। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि ये वीडियो मैं बाद में एडिट कर रही थी तब तक मेरी रिपोर्ट आ चुकी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो अभी मेरा शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे रुद्राक्ष नहाने जा रहा था बट वो ऐसे देख के उसे लगा कि मम्मा को इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। वो देखिए वो मेरे पास आ गया। सो ब्लड कलेक्ट करके हो गया है, अभी शाम तक, शायद आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। सो होप सो जो मेरा शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे, अगर नहीं रहा तो फिर शायद से मुझे फिर से मेरी टैबलेट, मुझे दवाइयाँ जो शुगर की होती है नॉर्मल, वो स्टार्ट करनी पड़ सकती है, तो वो नौबत ना आए। एक्चुअली कल हम गए थे डॉक्टर के पास, मेरे स्टिचेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब थोड़ा सा जो स्किन होता है वो थोड़ा सा खुला दिख रहा था, कुछ इतना पार्ट खुला दिख रहा था इतना। तो 2 दिन से मैं भी काफ़ी स्ट्रेस में थी क्योंकि वो रेडनेस बढ़ रहा था, तो हमने सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखा दे। तो हम कल गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मेरे स्टिचेस चेक किए, तो उन्होंने बोला टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है वो थोड़ा ओपन हो गया है बट ना तो कोई इसमें इन्फेक्शन था, ना तो कोई पस हुआ था, तो वो ठीक है। वो शायद से अचानक खांसने से, छींकने से, या फिर आप जब वॉशरूम जाते हो तो ज़्यादा प्रेशर से भी होता है। सो उन्होंने फिर से उस जगह को क्लीन करके वहाँ पे बैंडेज लगा दिया है और मुझसे कहा कि आपको 2-3 दिन फिर नहाना नहीं है, 2-3 दिन बाद आप खुद ही वो बैंडेज ओपन कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स दी मुझे, तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि एक बार अपना शुगर लेवल चेक करा लीजिए तो बेटर होगा। सो इसीलिए आज मैंने टेस्ट करने दिया है, तो रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगी। सो होप सब अच्छा ही हो। फिर मैं सैटरडे को विज़िट करूँगी डॉक्टर के पास, फिर देखते हैं। आप लोगों से भी यही सजेशन है, जिनका सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है वो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जब तक स्टिचेस हील नहीं होते आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, तो कोई भी वजन वाली चीज़ें मत उठाइए। अगर इस मौसम में आपकी डिलीवरी हुई है तो सर्दी खांसी से बचना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे घर पर तो अब
रुद्राक्ष को सर्दी है, खांसी है, ऑलमोस्ट सबको हल्का हल्का है। सो आप लोग देख सकते हो मेरी भी आवाज़ थोड़ी चेंज हुई है, तो कल रात से मुझे भी थोड़ा ऐसे सर्दी जैसा फील हो रहा है। सो हो ना, बट ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी, कोशिश करूँगी कि मुझे खांसी एटलीस्ट ना हो। छींक तो फिर भी कभी कभी आ जाती है, बट अगर खांसी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं। रुद्राक्ष नहाने गया है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, वो नहाते नहाते मेरा ब्लड टेस्ट ब्लड कलेक्ट कर रहे थे तो वो मेरे पीछे आ रहा था। सो अभी वो नहा रहा है, फिर लंच होगा, फिर हम लंच करेंगे, देखते आज लंच में क्या बनता है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। कुकुम्बर वाला है ना, फेस हाइड्रेट करेगा। हाँ, यस। सो मैंने तो यहाँ पे लगा लिया ये फेस मास्क, अभी रीना लगा पपाया वाला। यस, मैंने जो लगाया वो कीवी वाला था। यस, और इसका जो फेस क्या बोलते हैं मास्क शीट, यस, ये पपाया वाला है। सो देखते हैं, हम दोनों बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, रिव्यूज देंगे। यस, सो रात के यहाँ पे हम मेरा व्लॉग भी देख रहे थे, साथ में रात के 11:30 बजे हम अपना स्किन थोड़ा हाइड्रेट कर रहे, क्योंकि ठंड के कारण काफ़ी ड्राई हो चुकी है हमारी स्किन। मास्क लगा के किडनैप करने आते हैं ना, वैसे दिख रही है। अच्छे से बैठ गया मैंने। मम्मा ये देखो, ए भूत। कौन है बाबू? मम्मा भी भूत। रुद्राक्ष क्यों डर के भाग रहा है? अरे भूत हो या भूत, सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। म्यूजिक। सो जा मेरे चंदा, क्या है ये पूरा वाइट वाइट? बच्चा भी नहीं डर रहा तेरे से। क्या है ये वाइट वाइट? सो जा वरना क्या है ये वाइट वाइट? बता, ये मार्क शीट है बाबू। मामा मिले खड़े रहो, देखेगी मुझे। अब सारे हॉन्टेड फैमिली बन जाएंगे। ये तो काले दिखेंगे, दो है ना, चार कोल वाले। दाढ़ी में क्या करोगे? मत खोल जाली, नंगू पुंगू। हम तो सफेद भूत है, तेरे पापा ने रुद्राक्ष खा लिया। आग बंद कर। ब्लैक भूत, ब्लैक भूत दिख रहे पापा तो। मेरे को भी तो नाक बैठी नहीं रहता। मुझे रेड भूत बना दो बोल रहे। आपका माता छोटा है ना, हमारे माते बड़े हैं, उनका तो ऊपर जाओ। हाँ ना, हमारे माते छोटा पड़ता है, तकला बड़ा है ना। नाक भी तो छोटा पड़ रहा है, नाक और थोल में नहीं बैठ रहा। स्किन ये ना दाढ़ी से चिपकने की। हाँ तो भी ऐसा टैप कर दे, हाइड्रेट स्किन। और ग्लो करोगे सुबह ज्यादा, एक दो चार लड़के एक्स्ट्रा पटेंगे। यो जाओ। सो पता नहीं मेरी आवाज कैसे आ रही है, मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं पा रही हूँ। सो गाइज गुड नाइट। जब से बेबी हुआ है तब से आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, क्योंकि ये देखिए दृष्टि सो रही है, दिख रही है आप लोगों को यहाँ से, देखिए।
दृष्टि सो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा मैं अपने आप को मी टाइम दे दूँ, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत रफ हो चुकी थी। सो मैंने ये शीट लगाया है तो होप थोड़ा सा स्किन हाइड्रेट हो जाए मेरा। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। कौन आया रुद्राक्ष? जाओ जाओ देखो देखो क्या लाए। अरे मौसा क्या लाए पहले वो तो देखो। वो दो दो चॉकलेट, दो दो चौकी रुद्राक्ष को मिली, दिखाओ। उनमें जूस भी है। जूस भी है? दिखा मैंने। किधर है जूस? दिखा, चौकी दिखाओ मेरे को।